वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, जैसे हमको डे वन के कलेक्शंस का बहुत बेसब्री से इंतजार है, मैंने अपने प्रेडिक्शन सुबह दे दिया है 20.50 करोड़। जैसे कलेक्शन आएंगे उसके अपडेट दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स जो डे टू शुरू हुआ है बागी टू का, वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बागी टू के मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के बारे में फॉर इट्स सेकेंड डे यानी कि सैटरडे। ऑब्वियसली फ्राइडे से कम ओपनिंग रहेगी इस फिल्म की, सैटरडे को रहा है ट्रेंड हमेशा बॉलीवुड फिल्मों में सैटरडे की ओपनिंग कम रहती है, लेकिन बॉस बागी टू इज एन एक्सेप्शन। सीरियसली स्पीकिंग, आपको जैसे पता होगा साउथ में जो थिएटर्स है उसके पहले शो जो रहते हैं वो 10 AM के रहते हैं मॉर्निंग में। सिंगल स्क्रीन्स की बात कर रहा हूं, और साउथ में अभी फिलहाल जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आ रही है सिंगल स्क्रीन्स की वो 50-60% है। और गाइस, 50-60% का मतलब समझते हो आप, इट इज अ मैग्नानिमस ब्लॉकबस्टर। वहां की साउथ फिल्मों को इतनी ऑक्यूपेंसी मिलती है। और गाइस, अभी बात करें कि अपने नॉर्थ बेल्ट में जितनी भी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, ऑब्वियसली उनके पहले शोज 12-12:30 बजे शुरू होते हैं नॉर्थ में, यानी कि हम लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, सब 12:30 बजे के बाद सिंगल स्क्रीन शुरू होते हैं वहां पे थिएटर्स। वहां पर जो एडवांस बुकिंग की ऑक्यूपेंसी आ रही है वो इतनी तगड़ी आ रही है गाइस, 45-50% की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यानी कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग भी कर रही है और वॉक इन तो कर रही है, और जैसे जैसे शोज शुरू हो रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्स की, तो फ्रेंड्स मल्टीप्लेक्स में ऑलमोस्ट 30-35% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। अब आप पूछोगे मल्टीप्लेक्स में इतनी कम क्यों है, तो गाइस एक मल्टीप्लेक्स में इसको कम से कम 8-9 शोज मिलते हैं, बल्कि सिंगल स्क्रीन में मिलते हैं सिर्फ 4 शो। तो अगर 4 की ऑक्यूपेंसी हम लोग 8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उतना ही परसेंट रह जाता है। यही फंडा है मल्टीप्लेक्सेस का, इसलिए मल्टीप्लेक्स की ऑक्यूपेंसी वो 30-35%, जो कि एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। अगर ये ट्रेंड पूरा दिन भी चलता रहा तभी भी फिल्म आराम से अपने दूसरे दिन पे 15-16 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आज सैटरडे है, 12:30 बजे का बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस की हाफ डे हो जाती है, और उसके बाद शाम को होते होते पब्लिक सैटरडे के पार्टी मूड में आ जाती है, और रात को फिल्मों में काफी भीड़ देखने मिलती है। इसलिए सैटरडे का ट्रेंड शाम को पिकअप होगा, और मुझे लगता है आज जो डे टू होगा वो भी 20 करोड़ के ऊपर जाएगा। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। लेकिन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी बागी टू की काफी अच्छी आ रही, काफी स्ट्रॉन्ग है। मुंबई में एज यूजुअल केडी गैलेक्सी सोल्ड आउट फॉर द डे। सो फ्रेंड्स, अगर एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे बागी टू के फिगर्स, ऑफिशियल फिगर्स आते हैं पहली अपडेट हमारे चैनल पे। सिमियान साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू ऑन द एपिसोड। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।